वो अपना टकला लेके इधर उधर बजाएंगे बस, और उसे पढ़ाई में लगा देते तो आज देश बच जाता। ये आपने देखा कभी? ये देखिए ये मैंने नहीं देखा, ये आज देख रहा हूँ। कानूनी तो हो गई ना? हाँ, तो उसे ठीक हो गया? हाँ, बढ़िया। और राशन कार्ड वगैरह? हाँ, राशन कार्ड है। कोई तरीका है भीख मांगने का? है। चलो ये सब दिस इज बिजनेस। अगर अधिकारी हमारे बीच में इस तरह की निराशा की बातें करते हैं तो अफसोस है मुझे ऐसी सरकार पर, और हमारे विधायक यहाँ बैठ करके ऐसी बातें करते हैं। नहीं चाहिए ऐसी सरकार, और नहीं चाहिए ऐसे जनप्रतिनिधि। गजब बेइज्जती है। चौहान साहब एक बात कहूंगा, ये जो मोदी और योगी लगातार कहते हैं 70 साल में जो कांग्रेस ने गलती करी उसकी भरपाई कर रहे हैं, वास्तव में ही कांग्रेस ने गलती करी। वो जो नन्ना सा बच्चा चाय बेच रहा था स्टेशन पे, उसे तभी पकड़ लेते और उसे पढ़ाई में लगा देते तो आज देश बच जाता। वो जो नन्ना सा बच्चा चाय बेच रहा था स्टेशन पे, उसे तभी पकड़ लेते और उसे पढ़ाई में लगा देते तो आज देश बच जाता। वास्तव में ही गलती कांग्रेस की। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। जो भर्ती की प्रक्रिया थी, अगर सरकार पहले शुरू कर देती तो आप लोगों की जो है कि भर्ती हो जाती। सरकार जो एक नंबर की बकचोद है, सरकार जो एक नंबर की बकचोद है। ठीक, और अब की जो सरकार आएगी वो अखिलेश यादव की आएगी। रही बात योगी की, तो योगी तो कुछ उखाड़ पाए नहीं अभी तक, और वो आगे भी नहीं उखाड़ पाएंगे। वो अपना टकला लेके इधर उधर बजाएंगे बस, और वो कुछ कर नहीं सकते। तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? यह देश जानता है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के रहते हुए ना तो कभी किसानों का हित हो सकता है, ना ही देश का हित हो सकता है, न देशवासियों का हित हो सकता है। ये बढ़िया था गुरु। म्यूजिक बिग थैंक यू फॉर बींग हियर। बहुत बहुत धन्यवाद।